सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। PTET के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। PTET 21 मई को 5.21 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी। तो एडमिट कार्ड आप लोग अपने कैसे चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, और परीक्षा के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार कर लेने हैं ताकि परीक्षा देने में आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दे सकते हैं आप लोग PTET 21 मई को 5.21 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी। देखिए, एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये है, तो इन ये दो वेबसाइट दी गई हैं। इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है www.ggutu.ac.in, दूसरी वेबसाइट है PTET.ggutu.com। इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या चीज़ लेकर जानी होगी और कितने घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना होगा ये भी जान लीजिए। तो एडमिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बता दें कि किस तरह से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दो वेबसाइट दी गई हैं, इन दो वेबसाइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बदलाव, पर्सनलाइज व्यायामार सीट अभ्यर्थियों की होगी, उपलब्ध परीक्षा 21 मई को होगी। सबसे पहले काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो पिछली बार थी, ना उससे पहले थी, और ना ही इस बार भी है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको भी कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। अब देखिए, परीक्षा के लिए अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए अगर जा रहे हैं, तो परीक्षा सेंटर आपको कितने घंटे पहले पहुंचना होगा? देखिए, परीक्षा समय से एक घंटा पूर्व सुबह 10 बजे तक केंद्र पर आपको पहुंचना होगा, यानी कि 10 बजे तक आपको परीक्षा सेंटर पर हर हाल में पहुंचना होगा। और विश्वविद्यालय की साइट पर 15 मई से एडमिट कार्ड जारी होंगे। सरकार द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अगर इनमें से आपके पास एक भी आईडी प्रूफ है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर इनमें से एक आईडी प्रूफ ले जानी होगी। अब देखिए, पुरुषों के लिए आदि आस्तीन का शर्ट, हवाई चप्पल पहनना जरूरी होगा। महिला के लिए सलवार सूट, कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल की अनुमति दी गई है। मोबाइल में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल हुआ, नकल सामग्री, जेवरात आदि भी इन पर प्रतिबंधित है। इनमें से आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं ले जाना है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो पूरी खबर पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। पहले, राज्य में 21 मई को PTET की परीक्षा होगी। 1494 केंद्रों पर 5,21,576 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है कि परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेकर अनेक परीक्षार्थियों की परिवेदनाएं प्राप्त हुई। राज्य में हो रही पात्रता परीक्षाओं में प्रावधानों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सेट की तर्ज पर सभी प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग हटाने का निर्णय किया है। केवल खंड बा शिक्षण अभिवृत्ति में उत्तर की वैधता के अनुसार 3, 2, 1 एवं 0 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। इसमें जो आपकी खंड जो बा है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें उत्तर की वैधता के अनुसार 3, 2, 1 एवं 0 अंक दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राज शब्दन्यक प्रोफेसर मनोज पांड्या ने इस आशय की विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि इससे छात्रों को बहुत सुविधा मिल सकेगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पानेरी ने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन में छात्र हित में अनेक नवाचार करते आया है। इसी कड़ी में इस PTET परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को पर्सनलाइज OMR सीट प्राप्त होगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, फोटो युक्त एप्लीकेशन ID सबसे पहले प्रिंट होगी और विद्यार्थियों को केवल प्रश्न पुस्तिका, बुकलेट नंबर, स्वयं के साइन और खंड दा में भाषा वर्ग में हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक को चुनने की एंट्री एवं स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे। 4 भागों में प्रश्न पूछे जाएंगे। PTET में 4 भागों के साथ एक प्रश्न पत्रों का, यानी 4 अलग अलग विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मानसिक क्षमता हुआ, शिक्षण दृष्टिकोण, योग्यता परीक्षा, सामान्य जागरूकता और भाषा परिवर्तन, अंग्रेजी या हिंदी शामिल हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेटअप पर आपको कौन कौन सी चीज़ें ले जानी होंगी और कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।